कनेडा दे विचों विद्यार्थी दा होया कतल। अफ्रीकी मूल दे व्यक्तियां ने चाकुआं नाल कीता हमला, विद्यार्थी दी मौके ते मौत। जी हां, जिला गुरदासपुर के बटाला शहर के 23 साल नौजवान का कनेडा दे विच कतल हो गया। 3 साल पहला ओह कनेडा दे विच पढ़ाई करन गया सी, जिथे बीते दिनी गुरद्वारा साहब तो आउंदे समय अफ्रीकी मूल दे व्यक्तियां ने उसते चाकुआं नाल हमला कर दिता। विद्यार्थी दी मौके ते मौत हो गई। जदों इस खबर दा उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं पता लग्या तां उन्हां दे परिवार विच सोग दी लहर फैल गई। उत्थे परिवारक मैंबरां दा कहना है कि कनेडा सरकार नूं कनेडा दे विच पढ़न गए प्रवासी विद्यार्थियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए ने। परिवारक मैंबरां ने अपने पुत की लाश नूं भारत मंगवाउण दी भी मंग की। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪੰਜ ਪਾਸੇ, ਉਹ 400 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਗਾਸੀ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ सरकार तो मंग करते हैं कि होर भी पंजाबी बच्चे जो इतने गए हैं उन्होंने सुरक्षा जी प्रबंध किया जाए। हाँ जी, अभी इतने बच्चे पढ़ने वास्ते भेजने माँ प्यो के सुपन भी जरा इतने जाके जो अभी वारदात हो जाए सुपन के पानी कर देना। हाईकोर्ट जो शब्दों में सरकार को मंग करता है कि साढ़े जोड़े इंडिया तो पंजाब तो बच्चे जाते हैं वो तो वह उन्होंने उत्तर सुरक्षा की जाए उन्होंने हिफाजत की जाए। भाई कमलजीत सिंह इन्होंने लड़का सगा सूरजदीप सिंह तकरीबन 3 साल पहला इनू स्टडी वीजे दे 4 साल का वीजा सी पढ़ाई करना कनेडा विच ब्रैम्पटन ते पढ़ाई कर रहा ही। होर दूसरे चाचे का लड़के ताए दे वह भी दोनों भरा उत्थे सीगे, पर जदों सानू अज सवेरे 5 बजे फोन आया वा ब्रैम्पटन तो इहदा किसे ने कतल कर दिता गया। यह अपने कारोबार तो गुरद्वारा साहब मत्था टेक के पार्क राही अपने घर जा रहा ही, तो रस्ते उन्हां बदमाशां ने इहनू छरे छरे मार के पिछों को खोण की खातर जेडे परस भी खोह के ला गए, मोबाइल भी खोह लिया, ये घड़ी तक भी वो लै गए। पर सानू सवेरे 5 बजे इस चीज़ का पता लगा, सारा परिवार बड़ा सदमे में आ, पिता जी भी वो गल नहीं कर सकते। साड़ी सरकार को पुरजोर मांग आ कि बच्चे की जिनी जल्दी हो लाश जी सानू इंडिया भेजी जाए।